रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को टिप्स दिए। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका का सकारात्मक उपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गतिविधियां तेज कर दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को यहां सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट में हिस्सा लेने पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया सैनिकों को जरूरी टिप्स दिए। रक्षा मंत्री ने कहा, तकनीक के जरिए यह आपको सुनिश्चित करना है कि प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए। मीट का आयोजन सोहना रोड स्थित कासावेला गार्डन में हरियाणा भाजपा आईटी सेल ने किया है। इस मीट में 2000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। मीट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्हें तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया सैनिकों का है। उन्होंने कहा, विपक्ष षड्यंत्र के तहत अफवाह फैला रहा है, इनको रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं सैनिकों की है। सीतारमण ने जोर देकर कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा, फॉलोवर्स के साथ सभ्यता के साथ पेश आएं, बेहतर भाषा शैली से उन्हें आकर्षित करें। रक्षा मंत्री ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा, विपक्ष को भाजपा की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है, इससे विरोधियों में खलबली मची हुई है। विरोधी पार्टियां गलत प्रचार करके जनता को भ्रम में डाल रही हैं। विरोधी सोशल हैंडल चला रहे हैं, गलत मैसेज वायरल कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति देश के लिए भी घातक है। रक्षा मंत्री ने आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा, पुलवामा और बालाकोट हमले के बाद तो सोशल हैंडल्स में बाढ़ आ गई है, नए नए वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया सैनिक अब अलर्ट हो जाएं, ऐसे लोगों को तकनीक से जवाब दें।